ओ सुनहरी ये धूप से ज्यादा चमक रही है, सुनहरी ये आंखें देखो भटकी। वो आ गया है ना? खामोश हो जाओ, वो आ गया है। रुको, मुझे निकलना है यहाँ से। रुको, अपने चेहरे की तरफ देखो, तुम्हें देखना ही होगा। चुप करो सीलन, जो भी बात है तुम्हें मुझे बतानी होगी। नाज़ली, ये बहस का मौका नहीं है। अब हमारी माँ हमारे दरमियान है। हालूक ने हमारी माँ का अगवा किया है। हम नहीं जानते वो उनके साथ क्या करेगा। मुझे पता है, मैं करती हूँ उसको कॉल। कहाँ जा रही हो तुम? हाँ, मैं लॉजिकली नहीं सोचती, लेकिन मैं तुम्हारी तरह भी नहीं हूँ। तो अगर तुमने नहीं आना तो बैठो यहाँ पर, आना है तो चलो मेरे साथ। क्या ये मेरी गलती है? ये अगर तुम्हारी गलती नहीं भी है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने मुझे नहीं बताया। ये औरत सारी उम्र अकेली रही है, ऐसे तुमने नहीं मुझे बताया कि वो अकेली थी। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था सीलन। बस, तुम कहीं नहीं जा सकती, ओके? छोड़ो मुझे, अगर तुमने आना है तो आओ, वरना जाने दो मुझे। सीलन, क्या? सीलन, अरे रुको, अपने आप पर काबू पाओ। क्या कर रही हो? मत बताओ मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मैं अपनी माँ को ढूंढने जा रही हूँ। हमारा मकसद तुम्हारी अम्मी को तलाश करना है। हम उनको तलाश करेंगे और यहाँ पर लेके आएंगे। चलो ढूंढते हैं उन्हें, चलो। क्या बात कर रहे हो तुम? बताओ मुझे। ये अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ पे ही ठहरो। हम लोग पहले हालू को तलाश करेंगे और फिर मिसेस गुनेश को। पागल मत बनो, हम भी साथ आएंगे। चलो, वक्त है, मत करो। चलो अब चलो। इस्माइल, चाबी दो। टैंक फुल है ना? मैंने इसके साथ नहीं बैठना, तुम आके बैठो पीछे। हम अपनी लड़ाई बाद में लड़ लेंगे। ये लड़ाई के बारे में नहीं है, तुमने वैसे भी आगे नहीं बैठना। आ जाओ पीछे। ओके देन, कम ऑन। मिस्टर हालू, मिस्टर अली घर से निकल गए हैं। I got it, ठीक है। और उनका पीछा करो, उनको यहाँ आने से रोकना। ओके, मैं उनका पीछा कर रहा हूँ। बस मुझ तक ना पहुँचे, वो डरा धमकाते ना ज़्यादा से ज़्यादा। मैं समझ गया सर। तुम्हें वेजिटेबल मैक्रोनी बहुत पसंद आएगी। तुम्हारी फेवरेट बनाई है वेजिटेबल मैक्रोनी। मैं कहाँ हूँ? ये कहाँ हूँ मैं? मेरी जान, तुम मेरे पास हो। बिल्कुल, मुझसे दूर हो जाओ हालूक। मैं कुछ नहीं कर रहा, मैक्रोनी बनाई है तुम्हारे लिए, तुम्हें मैक्रोनी खिला रहा हूँ। शाबाश खा लो। मैंने कहा मुझसे दूर हो जाओ तुम। मुझे, मैं रुक नहीं सकता, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। तुम समझने की कोशिश करो। मुझे हाथ भी मत लगाना तुम हालू। जान भूखी मत रहो तुम। दूर हो जाओ प्लीज प्लीज। मैं कभी नहीं चाहता था ये सब हो। इस मौके पर मैं पहुंचना ही नहीं चाहता था। हालूक, लड़कियां कहाँ हैं? तुमने क्या किया है उनके साथ? उनके साथ मेरी भी बेटियां हैं वो। हाँ हाँ, तुम्हारी बेटियां। प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन, प्लीज मत हाथ लगाओ मुझे हालू, मत हाथ लगाओ मुझे। हेल्प! चीख लो फिर तुम। अगर तुम चीखना चाहती हो तो चीख लो, जो करना चाहती हो करो, चीखो, शाबाश चीखो, कोई नहीं सुन सकता तुम्हारी आवाज। हालू हालू, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कसम खाती हूँ। मुझे बस जाने दो। मैं कभी कभी किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी आलू। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे थे? प्लीज ऐसे मत करो। मोहब्बत में तो सबसे ज्यादा बहुत कुछ हो जाता है। आलोक तुम अच्छे नहीं हो। नहीं रुक सकता मैं ना। अच्छा हाँ, लड़का या लड़की? दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ और मुझे हाथ मत लगाना तुम अब। नहीं छोड़ सकता तुम्हें। सुनो, मैं जिंदगी भर अपनी गलतियों की ना सजा काटता रहा हूं, ठीक है? अब मैं उन सब गलतियों का कफारा अदा करना चाहता हूँ। कफारा अदा करना चाहता हूँ मैं उन गलतियों का, जो गलतियां मुझसे हुई, जो कोताही में बचपन में मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे तुम्हारी जरूरत है। बस कर दो। ठीक है। हम कहाँ जा रहे हैं अली? कुछ ऑप्शंस हैं। हम आबादी से दूर जा रहे हैं। हम क्या करेंगे जब वो हमें ना मिले? तब तक उनको ढूंढते रहेंगे और हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। भरोसा रखो नाज़ले, हम उन्हें तलाश कर लेंगे। फोन की सर्विस भी खराब हो रही है। आर यू श्योर कि हम सही सड़क पे हैं? मुझे यकीन है। तुम्हें यकीन कैसे है? छठे हिस क्या कुछ है अली? नहीं। अली आहिस्ता चलाओ। क्या हो रहा है? कोई मसला है अली? नहीं। ये वही गाड़ी नहीं है जिसे हमें फॉलो किया था उस दिन? ये पागल क्या कर रहा है? कौन है? मुझे नहीं पता सेलिन। कुछ करो, ये बहुत करीब है हमारे। मैं कुछ कर तो रहा हूँ। अली मुझे डर लग रहा है। डरो मत डार्लिंग, कुछ नहीं होगा, डरो मत। ये पागल आदमी हमें टक्कर मार रहा है। उसने वाकई हमें मारा है। मुझे मजबूती से पकड़ो। अली मैं डर रही हूँ। घबराओ मत सेलिन, डरो मत। तुम्हारे इस आदमी के बारे में क्या ख्याल है जो टक्करे मारा? एक्सीडेंट हो जाएगा भी हमारा। जानवर। अली प्लीज कुछ करो, हमें मार देगा। उससे छुटकारा पाने की कोशिश। तेज आओ। हाँ काम रहना चाहिए हमें, है ना? रिलैक्स करें और एक्सीडेंट होने दें। अली मैंने सारी जिंदगी अपनी माँ से बेहद प्यार किया है। ऐसा प्यार शायद नॉर्मल नहीं था, ये जुनूनीपन था जो अपनी माँ के लिए था मेरे लिए। तब भी मेरे बाप ने मुझे मारने की कोशिश की ना, मेरी माँ ने, मामा ने फौरन रोक लिया। मैं अपने बाप की नफरत कभी समझ नहीं पाया। पता नहीं, शायद तो पागल थे थोड़े से, लेकिन उस नफरत की वजह मैं आज तक जानने के लिए तैयार हूँ। शायद वो अपने आप से मेरी तरह ही नफरत करते थे, उसकी वजह मैं आज तक नहीं मालूम कर सका। शायद उनकी फितरत का हिस्सा थी, पता नहीं। कभी नहीं जान सका मैं राज। तुम्हें मैं चाय इसलिए नहीं दी क्योंकि तुम्हारे हाथ बंधे हुए हैं, समझ रही हो? तो फिर मेरी माँ ही मेरा सब कुछ थी। और जब उसकी मौत हुई ना, पागल हो गया मैं। पागल। अब अपने आप को उनकी मौत का इल्जाम मत दो हालूक। मैं अपने आप को कसूरवार नहीं मानता। कसूरवार तो अहमद है, अहमद। हालूक, इसमें किसी का कसूर नहीं है। सब कुछ अहमद की वजह से हुआ। मैं उसको उस दिन के बाद मार देना चाहता था, उससे उसका सब कुछ छीनना चाहता था, उससे उसकी रोटी तक। समझ लो तुम, मैं चाहता था उसको मैं रोटी ना खिलाऊं और वो भूख के मारे मर जाए। कैसे मर जाए? उसने मुझसे मेरी माँ छीनी थी और मैं उससे उसकी हर चीज। तुम उससे प्यार करते थे? खुदा के लिए गुनेश, जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करता उससे कोई इंसान प्यार नहीं कर सकता। क्या करता मैं? सब कुछ ना इस पेंटिंग की वजह से शुरू हुआ था। अहमद ने तुम्हें उस रोज जलपरी की तरह साल पर देखा और दीवाना हो गया तुम्हारा वो। तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब तुमसे कोई भी चीज छुपी रहे। अब तुम्हें सब जानना चाहिए। तो तुम्हारी मोहब्बत महज एक गेम की तरह शुरू हुई थी, एक गेम जो मैं अहमद से जीतना चाहता था। मगर उस वक्त तुम्हारी शादी हो चुकी थी। क्या बकवास शादी की बात कर रही हो तुम? बकवास शादी? मेरी बहन मेरे दिमाग का इलाज करवाना चाहती थी, इसलिए उसने शादी कर दी मेरी कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, पागल और बुढ़िया। मगर तुम ठीक हो गए हालूक, इलाज तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, तुम अब वो आदमी नहीं हो जो तुम पहले थे, है ना? ऑफ कोर्स आई एम नॉट माय डार्लिंग। तुमसे मिलने के बाद मैं वो नहीं रहा जो मैं पहले हालूक था। मैंने अपने आप को माफ करना शुरू कर दिया। खुदा का तोहफा है, यही कहते हैं ना। तुम जफर को जानते? जफर, ठीक कहा तुमने। तुम्हें ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था, क्योंकि तुम्हारी मंगनी हमारी फैक्ट्री में काम करने वाले एक मुलाजिम से हुई थी। और मैं तुम्हें एक बार बता दूं, जफर का उतना ही कसूर है इसमें। कसूरवार है जफर इस सब में, क्योंकि उसने तुम्हें पेश डाला था। मुझे पेश डाला था, तुम्हें पेश डाला था। हाँ? तो जफर सब कुछ जानता था? नहीं, हमारे लिए, हम दोनों के लिए। भाई क्या बात कर रही हो तुम? पर अब वो हमारी जिंदगियों में नहीं है ना। अब हमारी जिंदगी में उसने तुम्हारी बात नहीं की ना। ठीक है हालूक, मैं समझती हूँ। हर लम्हा मैंने असीत में गुजारा है, हर घड़ी असीत में गुजारी है मैंने। लेकिन तुम जानती हो तुम, मैंने तुम्हारी यादों को आज तक नहीं छोड़ा। तुम मुझसे प्यार करते थे। ये प्यार नहीं, ये कुछ और है। ये प्यार नहीं। बस मैं जानता हूं इतना कि मैंने तुम्हें कैफे में देखा और बस तुम्हारा दीवाना हो गया। मैं तुम्हारा दीवाना, तुम मेरे दिमाग में भस गई थी उस वक्त। मैं उस लम्हे में जीना चाहता हूँ उस लम्हे में। वो पहली दफा तुम्हें देखना, बस वही है मेरी जिंदगी का महवर। समझ लियो तुम? वहां जिंदगी रुक गई थी जिंदगी मेरी। मेरा ओढ़ना बिछोना बस तुम हो गई, बस तुम। हालूक तुम बस करो, बस बोलना। कुछ ना बोला गुनेश। मत कहना ये गलती है। प्लीज मत कहना। मैं सारी जिंदगी में तुम्हारा पीछा करता रहा हूं ताकि तुमसे माफी मांग लूं। तुम जानती हो मैं तुम्हारा सामना आज तक क्यों नहीं कर सका? नहीं ना। हाँ, इसलिए कि मैं अपना इलाज करवा लूं, समझिए, इलाज अपना। पर मैंने अपने गुनाह की सजा हर लम्हा काटी है। हर लम्हा मैंने असीयत में गुजारा है, हर घड़ी असीयत में गुजारी है मैंने। लेकिन तुम जानती हो तुम, मैंने तुम्हारी यादों को आज तक नहीं छोड़ा गुनेश। ये सारी तस्वीरें देख लो। ये दीवारों पे तुम्हें मैंने समझा दिया, अपने दिल की दीवारों पे तुम्हें समझा दिया मैंने अपनी जिंदगी दे दी तुम्हें मैंने। बस तुम्हारी याद में गुजार दिया मैंने एक लम्हा। देख रही हो तुम, मैं तुम्हें नहीं खो सकता। मैं तुम्हें गुनेश नहीं खो सकता। मैं मैं तुम्हें समझ रही हूँ आलू। समझ रही हूँ ना, समझ रही हूँ ना। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे माफ कर दो, नहीं चाहता मैं माफी। मैं समझ सकता हूँ तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, पर मैं तुम्हारे साथ, परी के साथ, सेलिन के साथ इकट्ठे रहना चाहता हूँ। एक फैमिली की तरह इकट्ठे, सब मिलके एक छत के नीचे। अपने हाथों की लकीरें देखो, देखो लकीरें। मैंने अपना नाम उन लकीरों पे खुद लिख दिया है गुनेश, खुद लिख दिया है मैंने अपना नाम उन लकीरों पे। मैंने लिख दिया है तुम्हें अपनी जिंदगी में, अपनी जिंदगी के हर एक पन्ने के ऊपर तुम्हें लिख दिया है गुनेश। तुम मेरी हर सांस में हो, हर सांस में तुम बसती हो मेरी, समझी? हर सांस में तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारी जिंदगी हूं। हम दोनों एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के लिए, बस। मैं नहीं जानती हालूक। कुछ ना कहो प्लीज, जाने मन कुछ ना कहो। बस ये ख्याल कि तुम मुझे एक दिन शायद माफ कर दो, ये काफी है। हालूक, क्या तुम मेरे हाथ खोल सकते हो प्लीज? बताओ ना गुनेश, प्लीज मुझे बताओ। ठीक है, हाँ। मैं ये सोचूंगी। नहीं, बस बहुत हो गया। नहीं, बस देखा, तुम्हारा ये कहना ही बहुत था मेरे लिए, बहुत था तुम्हारा ये कहना। आखिर तुम सोचोगी इस बारे में। तुम जानती हो मेरी जिंदगी पूरी होगी गुनेश आज, जब मुझे पता है कि तुम मुझे माफ करने की कोशिश कर सकती हो। ज़्यादा दर्द तो नहीं हुई जानू? नहीं। चाय पियो प्लीज, प्लीज। मुझे नहीं चाहिए। अब भाग ना जाना प्लीज। नहीं, मेरी बात का गलत मतलब ना निकालना, मैं बस वैसे ही रूट बता रहा था। देखो दरवाजा है सामने, वो बंद है, और उसकी चाबी मेरी जेब में है, तो तुम भाग सकती नहीं। मैं ऐसा करता हूँ, खाना गर्म करता हूँ और फिर हम वो दोनों मिलकर खाना खाएंगे कटे, रोमांटिक डिनर, समझ गए तुम? ओह, आई एम गोइंग टू लव इट। मैं आ रहा हूं अभी। नाज़ले उठो, उठ जाओ नाज़ले। तुम्हारा सर, उठो। मैं ठीक हूँ। सीलन, अली, सीलन। नाज़ले, तुम्हारे सर को क्या हुआ है? क्या हुआ तुम? अली मेरी जान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अली, नाज़ले के सर पे चोट लगी है, उसका खून बह रहा है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। चलो। सीलन! सीलन, हम संभाल लेंगे, हिलो मत, हिलना मत। मैं हिल नहीं सकती, मैं पहले नहीं हिल सकती। समाज कुछ करो, सीलन के पेट में शीशा। ओके, काम डाउन। अली प्लीज कुछ करो। अली, बहुत दर्द हो रहा है। स्वीटहार्ट, मेरे ख्याल से चीज जो है वो काफी कम पड़ गया है। तुम कहती हो तो मैं कुछ और चीज ग्रेट करके इस पे अच्छी तरह बखेर दूं। मुझे पता है तुम्हें चीज बहुत पसंद है। ठीक है, ओके। मुझे पता है बहुत भूख लगी है तुम्हें, मैं फौरन चीज करके लेकर आया। Ready? दूर रहो हालूक। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, धोखा दिया ना तुमने मुझे। दूर रहो, मैं बहुत सीरियस हूँ हालूक, दूर रहो मुझसे। मैंने तुम्हें सारा दिल का हाल बता दिया और तुमने मेरी बात का यकीन नहीं किया ना। तुम पागल हो हालूक, तुम दूर रहो मुझसे। दे दो मुझे ये, तुम मुझे नहीं मार सकती हालूक, मैं बहुत सीरियस हूँ, मैंने कहा दूर हो जाओ। सेलिन, जोर मत लगाओ, संभाल लेंगे हम। नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं आ रहा। कुछ करो सवाश, मैं पागल हो जाऊंगी, कुछ करो, किसी को बुलाओ, कोई हेल्प करो। मेरे पेट से निकालो। ओके, हम सब संभाल लेंगे, लेकिन ये सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे? बहुत खून निकल रहा है उसका, प्लीज करो कुछ, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग है। मैंने कहा निकालो। सवाश, फोन दो अपना, फोन दो अपना, मुझे किसी को बुलाओ। सिग्नल नहीं आ रहे अली, लेकिन हम यहाँ पे कुछ, हमें कुछ करना होगा, हम यहाँ पे ऐसे तो नहीं बैठ सकते। सीलिन, सीलिन प्लीज काम डाउन, ओके, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सेलिन, सेलिन देखो, इसको हाथ मत लगाओ, प्लीज प्लीज इसे हाथ मत लगाओ, हम मदद के लिए बुला रहे हैं किसी को। सेलिन तुम रिलैक्स रहो। बहुत दर्द हो रहा है अली। सवाश, इधर आओ, सेलिन इधर आओ। उसकी हालत बहुत खराब है सवाश, बहुत खून बह रहा है उसका। मुझे तुम्हारी जगह होना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है, मैंने कहा था कि तुम आगे बैठो, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। सीलिन पागल मत बनो, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम आगे बैठो, सब मेरी गलती है, कुछ नहीं होगा तुम्हें, सब मेरी गलती है। सीलिन तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन देखो काम डाउन, ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। अभी हम एम्बुलेंस को बुलाते हैं, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें। सीलिन तुम यहाँ कैसे आए हो? सिविलाई मैं राना नहीं, बात मत करो मुझसे तुम। देखिए सुनहरी तितलियां, सवाले इश्क और अपने फेवरेट टर्किश ड्रामास ड्रामा सेंट्रल के YouTube चैनल पे।